So, today is third or fourth? आज डेट क्या है? थर्ड सितंबर। So we had started with biotechnology one. तो इसमें एक टर्म लिख लीजिए, दैट इज जीन क्लोनिंग. व्हाट इज क्लोन? क्लोन होती है मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम ऑर्गेनिज्म, दैट इज क्लोन. अगर किसी यू नो ट्री की ले लो, उसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर दो, तो सभी ट्रीज या सभी प्लांट्स एक जैसे होंगे जेनेटिकली सेम, सो दे आर कॉल्ड एज द क्लोन. टिश्यू कल्चर में हम एक छोटा सा पार्ट, एक प्लांट का लीफ ले लेते हैं और उसका जो है हम उसको टिश्यू कल्चर में ग्रो करते हैं. तो जितने भी प्लांट्स मिलते हैं वो क्या है? क्लोन. जेनेटिकली सिमिलर है, वो एक दूसरे के क्लोन है. इसी तरह से हम बात कर देते हैं जीन क्लोनिंग की, कि एक ही जीन की बहुत सारी कॉपी. मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम जीन आर कॉल्ड एज जीन क्लोन. ठीक है, कैसे बनते हैं जीन क्लोन? व्हेन अ स्पेसिफिक जीन replicates along with host DNA. होस्ट के डीएनए के साथ हमने इंटीग्रेट कर दी, और होस्ट का डीएनए जैसे रेप्लीकेट कर रहा है वैसे ही वो जीन भी रेप्लीकेट कर रहे हैं अलोंग विद होस्ट डीएनए, दस प्रोड्यूसिंग मैनी कॉपीज. क्योंकि हम सिर्फ जीन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक जीन पे, प्रोड्यूसिंग मैनी कॉपीज ऑफ सेम जीन, एंड दिस इज कॉल्ड एज जीन क्लोन. अनदर इज अनदर मेथड फॉर जीन क्लोनिंग इज पीसीआर. पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. आरएक्स मतलब रिएक्शन. एक यू नो शायद हमने मॉलिक्यूलर बेसिस में, शायद आई डोंट रिमेम्बर कि हमने किया है कि नहीं, पर चलो इस चैप्टर में हम करेंगे. पीसीआर में क्या है? दैट इज एक जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाना, एक डीएनए फ्रेगमेंट की बहुत ज्यादा कॉपीज बनाना विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, राइट? सो दिस इज पीसीआर. आर्टिफिशियल सिंथेसिस, हम कहते हैं आर्टिफिशियल कॉपिंग, रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए इन अ मशीन is called as PCR, polymerase chain reaction, right? So this is gene cloning. Next हम आ जाते हैं बेटा, हमने करना था कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो
सबसे पहले हमने बात की कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, कैसे क्या हुआ, किसने पहले किया। सो कोहन एंड बॉयर, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, दैट इज दे फॉर्म, नेक्स्ट आ जाइए, फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ आरडीएनए। आरडीएनए के फुल फॉर्म क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये फर्स्ट सिंथेसिस किसने की, बाय कोहन एंड बॉयर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट BOYER, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, स्टेप्स क्या थे, फर्स्ट आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम डोनर, बाय कटिंग इट, क्योंकि डोनर के पास तो बहुत सारा डीएनए है, उसमें से कट करना है, हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट करना है, बाय कटिंग इट विद स्पेसिफिक आरई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसके बारे में अभी हम डिटेल में करेंगे। न्यूक्लियस मीन्स जो डीएनए को काट रहा है, एंडोन्यूक्लियस बीच में से कहीं पे काट रहा है, रिस्ट्रिक्शन मीन्स किसी स्पेसिफिक साइट पे काट रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड है आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आपको पता है क्या है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ये अगर बैक्टीरिया है, कोई सा भी बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियोइड या जीनोफोर है, एंड दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। सो आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम सेल्मोनेला टाइपी, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा था, किसमें से निकाला गया, दैट इज सेल्मोनेला स्पीशीज हम कह सकते हैं, या सेल्मोनेला टाइपी। टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया, कोहन एंड बॉयर ने कभी एक्सपेरिमेंट किया था, 1972। देन उसके बाद क्या है, कटिंग ऑफ प्लाज्मिड विद सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो ये एंडोन्यूक्लियस था उसी से ही जो है उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से प्लाज्मिड भी काटा गया। क्यों काटा गया, सेम क्यों, आई विल टेल यू लेटर ऑन। जॉइनिंग ऑफ
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद कट एंड्स ऑफ प्लास्मिड, दोनों को ज्वाइन कर दिया विद कौन सा एंजाइम है, विद डीएनए लाइगेज, इससे ज्वाइन कर दिया और जो बना दस फॉर्मिंग आरडीएनए, ये तो बन गया आरडीएनए, तो जो बनाना था वो बन गया। अब इसका फंक्शन कहां पे है, नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मा इनटू ईकोलाई, इस बैक्टीरिया में डाल दिया एज ईकोलाई इज सिमिलर टू, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सेलमोनेला। ठीक है, एंड दिस ईकोलाई, जो ईकोलाई बना ईकोलाई हैविंग फॉरेन जीन इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट ऑर्गन्स और ऑल्सो कॉल्ड एज जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन, इज इट राइट। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताती हूँ, सबसे पहले ये डीएनए था विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, हमारे को ये बेटा जहां पे अनपेयर्ड बेसिस आ जाते हैं उसको हम कह देते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ऐसे काटता है, अभी हम और डिटेल में करेंगे, एक स्टिकी एंड्स बन जाते, दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जी। दूसरी तरफ क्या है, अनदर इज ये है This is plasmid. इसको भी restriction endonuclease से काटा और it also forms स्टिकी एंड्स, इसने भी स्टिकी एंड्स बना दिए, इसके स्टिकी एंड्स इससे सिमिलर है, इसलिए सिमिलर है या कॉम्प्लीमेंट्री है हम भी कह सकते हैं, ये इधर आके जॉइन कर गई विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंड इट रिजर्व्स इंफॉर्मेशन ऑफ Thank you.
अगर आप देख पा रहे हो तो ये तीन, ये बेसिस, ये दोनों के जो रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए और ऑल्सो कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए. This is called as chimeric. RDNA recombinant DNA का ही दूसरा नाम है chimeric. ठीक है, लिखो तो फटाफट से ये करो. So first we come to tools of biotechnology. या पहले आप आ जाइए, first tools हम बाद में करते हैं, पहले आ जाइए basic steps. बेसिक स्टेप्स टू फॉर्म जो हमने अभी किया है उसी की ही एक समरी सी है. बेसिक स्टेप्स टू फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन and isolation of desired DNA or gene. Then second आ जाता है मेकिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एंड इंट्रोड्यूसिंग डिजायर्ड जीन इनटू host cell again with the help of vector DNA. Then third is maintenance of genetically modified organism in the culture medium ठीक है. या हम एक मिनट हम ये नहीं लिखते maintenance of मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट सेल एंड ट्रांसफर इट टू प्रोजेनी. जो फॉरेन डीएनए है उसको होस्ट सेल में मेंटेन किया जाए ताकि वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाए फर्दर ऑर्गेनिज्म में. अगेन बाय आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम हम बात दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग हम जो हमने किया. नेक्स्ट हम आ जाते हैं टूल्स फॉर आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. उसके लिए हमें जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए. तो सबसे पहले आ जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस.
ठीक है जी। सबसे पहले तो ये आंसर, उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम। तो बेटा एक बार जी हमने निकाल ली, अब हम बार बार उसको आइसोलेट करने में क्यों टाइम लगाए, क्योंकि अगर हम ये सोचे एक जीन निकाल ली उसको एक सेल में डाल दिया हमारा काम खत्म हो गया। हो सकता है जो एक जीन निकाल ली वो एक सेल में डाली वो डली नहीं, या वो सेल जिसमें डाली थी वो मर गया, इसलिए हमें वो स्पेसिफिक जीन निकाल के उसकी बहुत ज्यादा क्लोनिंग करनी पड़ती है और बहुत सारे जो है आगे ऑर्गेनिजम्स में डालना पड़ता है। तो पॉलीमरेज एंजाइम विच हेल्प्स इन जीन क्लोनिंग। उसके बाद है हम हेल्प्स इन जीन जीन क्लोनिंग CLONIL। नेक्स्ट इज लाइगेजेस, जो वेक्टर को फॉरेन डीएनए डिजायर्ड डीएनए से जोड़ते हैं, दैट इज वेक्टर्स और सॉरी लाइगेजेस ये एंजाइम्स है, और फिर है उसके बाद वेक्टर्स। लाइगेजेस वेक्टर और फॉरेन डीएनए को जोड़ते हैं, वेक्टर्स जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में लेके जाते, और फिर आ जाता है होस्ट सेल। ये तो हम ये कहेंगे दीज आर द वेरियस टूल्स। उसके बाद इन एडिशन टू दीज, इसके बाद आप यहां लिखना In addition to these techniques, such as PCR, then PAGE polyacrylamide gel electrophoresis are also required। इसी के बीच PCR polymerase enzyme PCR में चाहिए, पेज polyacrylamide gel electrophoresis इसमें हम जब हम restriction endonucleases से segments DNA को fragmentation करते हैं तो different fragments को अलग करने के लिए हम क्या use करते हैं, पेज use करते हैं। ठीक है तो पहले आप ये लिखो फिर मैं बोर्ड खाली होता है तो फिर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर जीन क्लोनिंग एंड पेज की फुल फॉर्म है पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। For separation of DNA fragments, this is stage।